हेलो बच्चों, तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि ईला ने किस तरीके से किस संघर्षमय परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई अपनी परीक्षा की 10वीं की परीक्षा में काफी प्रयत्न किया, बट वो पास नहीं हो पाई क्योंकि उसके पास जानकारी का थोड़ा अभाव था। बट उसने काफी संघर्ष करके अपनी पढ़ाई को 10वीं तक किया। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर अब सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी किया करती थी। कशीदाकारी यानी बेल बूटेदार की कढ़ाई। अब उसकी माँ और दादी दोनों कौन सा कार्य करती थी? कशीदाकारी का। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटिया उकेरते हुए देखती। बूटिया उकेरना यानी बनाना, डिजाइन बनाना अलग अलग तरीके की। रेशम पिरोना, रेशम यानी कि रेशम का जो धागा होता है, पिरोना यानी डालना, सुई में रेशम के धागे को डालना। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। ठानना यानी निश्चय करना। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। यानी वो उसने क्या किया, लोग अपने हाथों से सुई में धागा डालते थे, लेकिन आप देख सकते हैं, जैसे आप इमेजिन करो, जैसे ये पैर का ये अंगूठा है, ये पैर का अंगूठा है, और वो पैर के अंगूठे में, जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं, ये धागा है, तो वो पैर के अंगूठे में धागे को रखकर ऐसे सुई डाला करती थी। तो आप देख सकते कि हाथ की जगह वो अपने पैरों का इस्तेमाल करके कार्य कर सकती थी। तो वो क्या करती थी कि अपने पैरों का इस्तेमाल करके, अपने पैर के अंगूठे का सहारा लेकर के कशीदाकारी का कार्य किया करती थी। पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां रहा। तो धीरे धीरे उसने कशीदाकारी के काम में इंटरेस्ट लेना, दिलचस्पी लेना शुरू किया। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुटला दिया। कुदरत यानी कि प्रकृति, यानी उसका विश्वास इतना अडिग था और उसमें इतना धैर्य था कि उसने वो कार्य बड़ी ही कुशलता से पैरों से करना सीख लिया। 15-16 साल की होते होते इला कठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो गई। माहिर होना यानी निपुण हो जाना। और ये जो काठियावाड़ी कशीदाकारी है, ये गुजरात में होती है, तो गुजरात की एक कशीदाकारी का नाम है काठियावाड़ी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। उसे काफी नॉलेज आ गया था कि कौन से रंग अच्छे लगेंगे, कौन से टाके बनाने चाहिए और किस तरीके के वस्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीजों की समझ उसे 15-16 साल की उम्र में ही आ गई। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन, या एक प्रकार से हिंदी में इसे कह सकते हैं दिखावा। जैसे आप देखते हो ना बच्चों, हम मेले वगैरह में जाते हैं तो किस तरीके से एग्जीबिशन लगे रहते हैं। कहीं पे कपड़ों की प्रदर्शनी रहती है, कहीं पे चप्पल जूते वगैरह की शॉप्स रहती है, कहीं पे शॉल है, रेशम के चादर है, तो ऐसे चीजों की प्रदर्शनी लगी रहती है। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। यानी उसके परिधानों में हम कह सकते हैं कि लखनऊ की चिकनकारी और बंगाल की कशीदाकारी की भी झलक दिखाई देती थी। ईला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। अब चिकनकारी कढ़ाई जो है, ये लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई है। डंडियों को कांथा से उभारा था, और जो कांता है ये बंगाल की एक तरह की कढ़ाई का नाम है। डंडियों को यानी लाइंस, यानी जो कशीदाकारी करते समय वो लाइंस देती थी, उसमें कांथा एक तरीके की कढ़ाई का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और पत्ती यानी जो फूल पत्तियां बनाती थी, तो पत्तियों को वो चिकनकारी से सजाती थी। पशु पक्षियों की ज्यामिति आकृतियां को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। अब ज्यामिति आकृतियां यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स, देखो हम जैसे आपको यहाँ पे बना के दिखाते हैं, जैसे बच्चों आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, तो इसे ज्यामिति आकृति कहेंगे। कि ऐसे ज्यामिति आकृति यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स के जरिए भी वो कपड़ों में डिजाइन
डिजाइन बनाया करती थी वो बहुत ही सुंदर सुंदर से लगते थे। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई, यानी उसकी डिजाइने जो होती थी वो रहती थी प्राचीन, लेकिन उसमें वो कहीं ना कहीं नयापन, कुछ ना कुछ नवीनता लाती थी जो कि बहुत प्यारी लगती थी। ईला के पाव अब रुकते नहीं, आंखों में चमक, होठों पे मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं थी। अब धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ता गया। देखो बच्चों, एक चीज तो है, यदि हम किसी चीज में दिलचस्पी ले और उस कार्य में यदि हम सफल होते हैं तो हम उस कार्य को और अच्छे से करने के लिए परिपूर्ण परिपक्व होते जाते हैं। तो ये चीज काफी सीखने लायक है और ये चीज हमें भी अपनानी चाहिए। अब इसके आगे की कहानी हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।